नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। रिया शौविक सहित सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब करेंगे हाईकोर्ट का रुख। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई पुलिस ने ड्रग्स मामले की शुरू की जांच। ICMR की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, मई की शुरुआत में ही 64 लाख हो चुके थे कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई शिक्षा नीति को किया संबोधित, कहा नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना की सबसे बड़ी उछाल, पिछले 24 घंटे में सामने आए 96,551 नए मामले। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पूछा चीन से अपनी जमीन कब वापस लेगी सरकार। JDU से विवाद पर रामविलास ने अस्पताल से किया ट्वीट, कहा चिराग के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। निजी अस्पतालों पर यूपी सरकार सख्त, कोरोना संक्रमितों से नहीं ले सकेंगे अधिक शुल्क। LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति, मॉस्को में दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने की बैठक। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज पर बोला हमला, BJP सरकार को बताया माफिया सरकार। मध्य प्रदेश में शहडोल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख का गांजा किया जब्त। फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा दाऊद का घर छोड़ा और कंगना का तोड़ा। कंगना रनौत का सोनिया गांधी पर हमला, कहा इतिहास आपकी चुप्पी की आलोचना करेगा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक और केस दर्ज, पीड़िता के वकील ने मांगी सुरक्षा, 2 इंस्पेक्टर निलंबित। कंगना रनौत से मुलाकात के बाद बोले रामदास अठावले, सरकार ने बदले की भावना से की कार्रवाई। यूपी सरकार के मंत्री जय कुमार जय की कोरोना संक्रमित, फेसबुक पर सुरक्षित रहने की अपील की। वाराणसी में विवादित पोस्टर जारी, कंगना को दिखाया द्रौपदी, मोदी को भगवान श्री कृष्ण। जम्मू कश्मीर में सुखनाग नाले से मिला आतंकी का शव, मुठभेड़ के दौरान लगाई थी छलांग। भोपाल के गोदामों में रखा 1,315 मीट्रिक टन चावल घटिया, FCI की जांच में हुआ खुलासा। CM शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, होशंगाबाद के बाबई में लगेगा 200 टन की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री आरिफ अकील को हुआ ब्रेन हैमरेज, इमरजेंसी में की गई ब्रेन सर्जरी। शहडोल में सोन नदी में बनी सुरंग में फंसकर युवक की मौत, कोयला माफियाओं द्वारा नदी के अंदर खोदी गई खदान। देश में राज्यों के बीच ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार ने लगाई फटकार। मॉनसून सत्र में पहली बार लोकसभा सांसद अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से कराएंगे दर्ज, कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च किया अटेंडेंस रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन। US ओपन में सेरेना को हराकर फाइनल में पहुंची विक्टोरिया अजारेंका, नाओमी ओसाका से होगी टक्कर।